एंटी डंपिंग उसको रोकते हैं कि आप यहाँ पे स्टोरेज इसकी उस तरह से ना करें, आप कॉम्पिटेटिव प्राइस पे आए, वरना वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज पे लगाना शुरू करते हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म है उसकी, सारे मुल्कों के पास एंटी डंपिंग लॉ है और इंटरनेशनल लॉ के अंडर वो बनता है सारा एंटी डंपिंग लॉ जो बनता है, तो उसके बुनियादी तौर पर ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कास्ट जो है चाइना में, वो ये नहीं है कि वो जानबूझ के प्राइस कम दे, प्रोडक्शन कास्ट कम है उनकी, ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो कम पड़ती है उनको। तो नेचुरली आप अमेरिका से चीज़ जो बनाते, अमेरिका वाले अपना आईफोन आके बनवा रहे हैं चाइना से, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे बनाएंगे तो वो उतने का खरीद नहीं सकेगा, उसकी सकत से बाहर हो जाएगा। तो उसमें बुनियादी तौर पर ये जो हो रहा है, एक तो ट्रेड गैप बहुत ज़्यादा है, मेरा ख्याल ये है कि किसी तरीके से ये उसको इम्पोर्ट्स को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं भारत वहाँ से, क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट मेरा ख्याल है कोई 40 अरब 47 अरब का ट्रेड डेफिसिट बन रहा है, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें दोनों में जा रहा है, 11 अरब की एक्सपोर्ट है, 12 अरब की, और तकरीबन 59 अरब की इम्पोर्ट है चाइना से। तो मेरा ख्याल उसको ज़रा बैलेंस आउट करने के लिए करें, अदरवाइज अगर चाइना भी एंटी डंपिंग शुरू कर देगा तो मसला होगा। दूसरी बात ये जो भट्टी साहब आपसे एक जुमला कर, जो चीज़ें ये मंगवा रहे हैं उनकी बड़ी मेन इंडस्ट्री में वो काम आती है, उनके अपने इंडस्ट्रियल नुकसान भी होगा। ये खबरें तो आ रही हैं, आलमी जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो तो इस बात की निशानदेही कर रही है। भट्टी साहब, वन लाइन आंसर आपसे चाहूँगा, भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए पाकिस्तान में बड़े अच्छे मौके हैं अपना माल भेजने के, इस फैसले से, भारत के इस फैसले से इस खित्ते की तिजारत पे क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, फिल वक्त तो इसका सारा जो इसका असर है वो भारत पर पड़ेगा, और जो आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय मसनूआत के लिए बड़े मौके मौजूद हैं, फिर वो वन साइडेड आप नहीं कर सकते, फिर आपको दोनों साइडों से एतमाद की फ़ज़ा आप बहाल करके आपको अशिया की बरामद और बरामद को खोलना पड़ेगा, ताकि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद हो, फिर जो चीज़ जो अपनी कंपेटिटिवनेस के लिहाज से जिस मुल्क के अंदर जितनी मार्केट को कवर कर सके उस पर छोड़ा जाए। लेकिन जहाँ तक चीन की बात है, भारत एफर्ट कर रहा है चीन को टफ टाइम देने की, लेकिन इसका भारत को खुद इसके ऊपर इसके इम्पैक्ट्स आएंगे, चूँकि जो अगर चीन ने उन अशिया के ऊपर जो चीन भारत से मंगवा रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी आयात कर दी, तो पहले जो $47 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है भारत को, वो और बढ़ जाएगा, ये किसी सूरत में भारत के फायदे की बात नहीं है। ठीक, बॉस, हम तीनों बल्कि आप सब लोग तकरीबन 1,75,000 रुपए के मकरूज हैं, और ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि फी पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी 1,75,000 रुपए का कर्जा उठाए घूम रहा है। भट्टी साहब, क्या इस हुकूमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कर्जे लेने के? फैसल, बिल्कुल, मुस्लिम नूर की गवर्नमेंट ने तो माजी के अंदर किसी भी गवर्नमेंट के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कर्ज लिए हैं, उन्होंने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं छोड़ा कि कोई और उसको आके मीट कर सके या बना सके। लेकिन 17वीं जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर जब पूरी कौम खुशियाँ मना रही थी, तो उस वक्त हर पाकिस्तानी मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो कर्ज़ लिए गए, और अब जो मुस्लिम नून के दौर के अंदर आकर रिकॉर्ड ब्रेक किए गए, हर पाकिस्तानी 1,75,000 रुपये का मकरूज हो चुका है। अगरचे कि जब पाकिस्तान का क्याम अमल में आया, उस वक्त जो सूरत हाल थी बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, कर्ज लेने का सिलसिला तो उस वक्त शुरू हुआ जब नवाब बहावलपुर नवाब सादिक अब्बासी साहब से कर्ज लिया गया, पहला कर्ज लिया था उन 1 करोड़ पर, 1.5 करोड़ पर उनसे कर्ज लिया गया था, और 6 माह बाद दोबारा उनसे 1 करोड़ पर कर्ज लिया गया था। लेकिन वो कर्ज़ फिर जब कायद अजम ने उनसे दरख्वास्त की थी, तो उन्होंने उस कर्ज़ को हुकूमत पाकिस्तान के हक में इमदाद में तब्दील कर दिया था, हमें वापस नहीं लेना पड़ा था। फिर मुख्तलिफ अदवार के अंदर हमारे तरक्याती मनसूबे बने, दुनिया भर के अंदर अपने किसी भी एक इंडिविजुअल के बिजनेस की बात करें या कंपनी की बात करें, जब उन्होंने ग्रो करना होता है, उनके पास सामने टारगेट होते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए कर्ज लिए जाते रहे, ये ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने भी लिए, पाकिस्तान भी उसी पैटर्न पर गामजन रहा। और हम देखते हैं कि जो हमारे इब्तदाई 20 साल थे, इब्तदाई 20 सालों के अंदर हमने 2600 रुपये सालाना के कर्ज के तनासुब से कर्ज लेते रहे, और इब्तदाई 20 साल में आज़ादी के बाद हमने 520 रुपये का कर्ज लिया, और उसके बाद के जो 50 साल है हमने सालाना 490 रुपये का कर्ज लिया, और मजमूई तौर पर हमारे यहाँ जो इंटरनल और एक्सटर्नल कर्जों का बोझ है वो 25,000 अरब तक पहुँच चुका है। इतना पूरी कौम को हुक्मरानों ने कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमने दुनिया के दीगर ममालिक, हम बात करते हैं तुर्की की, उनके यहाँ भी मौशी हालात ख़राब थे, ट्रैक रिकॉर्ड उनका मौजूद है, उन्होंने भी आलमी इदारों से, ये इवन IMF वर्ल्ड बैंक से उन्होंने कर्ज हासिल किए। लेकिन फिर जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि जिस मकसद के लिए हम कर्ज हासिल कर रहे हैं उसको ट्रू स्पिरिट में हमने इंप्लीमेंट ना किया, उस जगह पर ना लगाया, करप्शन को हमने ना रोका, इन कर्जों का कोई फायदा नहीं होगा, और अल्टीमेटली तुर्की कर्जों के चुंगल से निकल गया। जापान है, दीगर ममालिक हैं जो कर्जों के चुंगल में फंसे हुए थे, उन्होंने अपनी इकॉनमी को रिवाइव किया, आज उससे निकल चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से
पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपनी जीडीपी के रेशो के तनासुब से भी उस लिमिट को एक्सीड कर रहा है जो कि 60% के तनासुब से होती है। हम इतना ज्यादा कर्ज ले चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो 1947 के बाद कर्ज लेने का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। आगे चल के एक और स्टोरी भी बताएंगे, कबालवी इदारे भी हमारे सामने करना शुरू कर दिए, लेकिन हमारी मौशी हालात नहीं बदले, अवाम की तकदीर नहीं। यही क्वेश्चन बटी साहब मैं राव साहब से पूछना चाह रहा हूँ। 400